दोस्तों, अगर आप भी सीआईडी देखना पसंद करते हैं और आप सीआईडी के सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एपीएम पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड से जुड़ी सारी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सालुंखे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीआईडी में अगर कोई केस सुलझ नहीं पाता सीआईडी की टीम से वो लोग डॉक्टर सालुंखे के पास जाते हैं। आप सबको पता होगा डॉक्टर सालुंखे का जो रोल है सीआईडी के सीजन 1 में वो काफ़ी अहम था, और सीआईडी के सीजन 2 में भी डॉक्टर सालुंखे बहुत ही जल्द आने वाले हैं। अभी फिलहाल दोस्तों जो दंगल पे दे रहा है सीआईएफ, उसमें डॉक्टर सालुंखे को आप सबने देखा ही होगा। उनका जो अभिनय है वो काफ़ी अच्छा है और लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं डॉक्टर सालुंखे के अभिनय को। तो दोस्तों, सीआईडी का सीजन 2 में भी डॉक्टर सालुंखे आपको देखने को मिलेंगे और ये जो शो है ये बहुत ही जल्द टीवी पर आने वाला है। लेकिन दोस्तों, अभी एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे दोस्तों, और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर सालुंखे जो है उनकी कार एक्सीडेंट पे मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ सुनने के बाद मुझे भी काफ़ी शौक लगा और मैं अपने तरफ से रिसर्च किया कि क्या ये जो मौत की खबर है ये सच है या झूठ है। तो दोस्तों, ये जो खबर है ये पूरी तरह से फेक है, आप लोग को गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोग सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए ये सब काम कर रहे हैं। आप दोस्तों इस सब चक्कर में मत पड़िएगा, मैं आपको सही न्यूज़ देता हूँ हमेशा। तो दोस्तों, सही न्यूज़ ये है कि डॉक्टर सालुंखे जो है वो पूरी तरह से ठीक है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में।